मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। आज मानू नॉलेज सीरीज़ में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। मैं डॉक्टर आनंद कुलकर्णी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ये बताना चाहता हूँ कि फैटी लिवर है क्या, फैटी लिवर से दिक्कत क्या होता है, इसको प्रिवेंशन कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फैटी लिवर एक तरह का लिवर में चर्बी भरना जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर, ये दो तीन कारणों से होता है। कॉमन जो हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब शराब पीने से जो फैटी लिवर होता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब मोटापे की वजह से, ये बहुत कॉमन है। 30% लोग, मतलब 10 में से 3 लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तब आपका लिवर खराब हो सकता है। तो जैसे कि मानो 30% प्रिवेलेंस है हमारा फैटी लिवर इंडिया में, तो 10 में से 3 लोगों को फैटी लिवर है। और अगला जो कारण होता है फैटी लिवर के लिए वो है डायबिटीज। डायबिटीज़ तो हम तीसरे बंदे को दिखोगे तो उनका डायबिटीज़ होता ही है, और हर तीसरे बंदे के डायबिटीज़ को फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर की वजह से क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है। सिम्टम्स जो हम बोलते हैं कॉमनली हम दो देखते हैं फैटी लिवर की वजह से, दर्द, ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है। पेन, राइट अपर कॉर्नर से पेन, पूरा दिन दर्द। कोई लोग गैस है बोल के गैस का दवाई देते हैं, कोई लोग बोलते हैं गाल बैटर में पत्थर हो गया तो पत्थरी का इलाज करा दिया। ये होता है सिर्फ फैटी लिवर की वजह से। लिवर में चर्बी ज़्यादा भरने से, लिवर स्ट्रेच होने की वजह से लिवर में दर्द पैदा करता है। इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम पेन होता है। और खासकर बाकी लोगों में हम ये भी देखते हैं कि कोई और कारण से हमको कराते हैं अल्ट्रासाउंड और निकलता है फैटी लिवर, इंसिडेंटली डिटेक्टेड फैटी लिवर जिसको हम बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। तीसरा जो हम दिक्कत देखते हैं फैटी लिवर की वजह से वो है मुंह पे काला पड़ना और पैर पे काला पड़ना बहुत कॉमन होता है, या फिर शरीर में खुजली होना, या फिर पैर पे खुजली होना या हाथों पे खुजली होना, ये भी कॉमनली हम देखते हैं फैटी लिवर की वजह से। चौथा जो हम दिक्कत देखते हैं जो एडवांस डिजीज में आता है लिवर की वजह से वो है पीलिया होना, आंखें पीलिया होना, या फिर पेशाब पीला रंग का निकलना, या फिर पेट में पानी आना, पैर का सूजन होना, खून की उल्टी, या बेहोशी, या बहकी बहकी बातें करना, ये सब लिवर के एडवांस स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। तो आगे जाके लिवर का कैंसर भी हो सकता है फैटी लिवर की वजह से। फैटी लिवर खास करके फैमिली में चलता है, फैमिलियल, मतलब अगर माता पिता को किसी को है तो बच्चों में होने का संभावना भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका हेरिडिटरी ओबेसिटी रहता है, ओबेसिटी की वजह से उनको फैटी लिवर हो जाता है। तो इसका इलाज क्या करना है? इलाज बहुत सिंपल है। इसका बेस्ट इलाज ये है कि एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना ही इसका इलाज है। 20 मिनट का एक्सरसाइज करने से आपका लिवर का जो चर्बी घट जाता है, इसके आपका फैट लिवर बच जाता है। मान लो आपका अगर वेट है 90 किलो, अगर 5 किलो भी इससे ऊपर कट गया तो 5 किलोज घटाने से आपका 6% लिवर का फैट घट जाता है। इसलिए वेट लॉस इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर। अगर फैटी लिवर की वजह से लिवर खराब हो रहा है तब हम मेडिसिन देते हैं, जो सिंपल से मेडिसिन होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं। और अगर लिवर पूरा ही खराब हो चुका है तो हम देते हैं आपका लिवर का इलाज के लिए पानी सुखाने के लिए दवा, और अगर ब्लीडिंग का रिस्क है तो ब्लीडिंग कम करने के लिए दवा। मान लो कैंसर हो गया तो कैंसर का इलाज अलग होता है। बट इन सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको देखना है कि डाइट इनका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर में। हम बहुत ओवरलुक करते हैं डाइट दिन भर दिन। जो लोग फैटी लिवर होते हैं वो आईटी के लोग होते हैं, जो टाइम पे टाइम खाना नहीं खाते हैं, और जब टाइम मिलता है या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर बेकरी का आइटम्स जैसे कि पफ खा लिया, समोसे खा लिए। कॉमनली उनमें होता है जो टाइप ए पर्सनालिटी, काम करते करते टाइम नहीं मिला खाना खाने के लिए और बेकरी आइटम्स खा लिया या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उनमें हम देखते हैं फैटी लिवर। पिज्ज़ा, बर्गर्स, ये जो ज़्यादातर खाते हैं उनको होता है फैटी लिवर। ये पूरा ही पूरा अवॉइड करना है। सारे फ्राइड आइटम्स हो जैसे कि समोसे, पराठे, कोल्ड ड्रिंक, स्पेशली बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है तो उसको नहीं पीना चाहिए। रेड मीट जैसे कि मटन, वो नहीं खाना चाहिए। एंड डेली हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज इज मस्ट। जो लिवर के लिए अच्छा होता है वो होता है आपका हरी पत्ती की सब्ज़ी। सारे फल अच्छे होते हैं, खास करके जो पोमोग्रेनेट बोलते हैं, अनार के दाने जिसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है वो अच्छा होता है। और आपका दही अच्छा होता है, हल्दी अच्छा होता है, और कॉफ़ी अच्छा होता है। और लिवर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डाइट मेंटेन करना और आधा घंटे का एक्सरसाइज। इसी से आपका 50% ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ डन बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। 50% आपको अगर लिवर बीमारी हो भी गई तो दवाई से ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर में 3 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 बहुत कॉमनली देखते हैं,
मैं ग्रेड टू और ग्रेड थ्री जो है एक बार अगर हो गया तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, और ग्रेड टू और ग्रेड थ्री होने के बाद सिरोसिस में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, और सिरोसिस होने के बाद कैंसर का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमको प्रिलिमिनरी मतलब पहले ही हमको इलाज कराना है जब फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। फैटी लीवर हो गया तो आपने इलाज नहीं कराया तो सिरोसिस हो गया तो फिर कैंसर। मगर फैटी लीवर का एक और दिक्कत भी है, कैंसर बन भी सकता है बिना सिरोसिस के भी। फैटी लीवर इसलिए बहुत डेंजरस है क्योंकि कैंसर कैन बी नॉन सिरोटिक सीसी बोलते हैं हम इनको। हेपेटाइटिस बी और फैटी लीवर ये दो कॉमन कारण है जिनमें सिरोसिस हुए बिना सीधा कैंसर होके पेशेंट आपके पास आ सकता है। मानू नॉलेज सीरीज में आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे लीवर के बारे में जानने के लिए। आदाब।